हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। ठीक है, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम दोनों डायग्राम बना रखे हैं मैंने पहले से ही। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डाइकोट स्टेम को। ठीक है, तो जो डाइकोट स्टेम की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, ठीक है, इरेगुलर होती है, इसमें क्या फॉर्मेशन होते हैं एपिडर्मल हेयर, जिनको क्या बोला जा सकता है, ट्राइकोम्स बोला जा सकता है। ठीक है, जो रूट है, जो स्टेम के जो हेयर्स है, एब्जॉर्प्शन करने में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, और डाइकोट स्टेम की जो आउटरमोस्ट जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके पास स्टोमेटा भी प्रेजेंस हो सकते हैं। ठीक है, और जो एपिडर्मिस कैसी सेल होती है, पैन कैमेटस होती है, मल्टीपल लेयर फॉर्मेशन करेगी, पैन कैमेटस होते हैं, जिसके अंदर स्टोमेटा हो सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने में और रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है एंडोडर्म लेयर इनर मोस्ट, तो कॉर्टेक्स पोर्शन है किसका बना हुआ, पैन कैमा का। उसके बाद आती है एंडोडर्म इनर वॉल होती है, जो पेरिसाइकल कॉर्टेक्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। पेरिसाइकल्स, ठीक है, स्केलेनकाइमेटिस होगी यहाँ पे पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल मल्टी लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन फ्लोएम, ये फ्लोएम कैम्बियम मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, दीज आर वस्कुलर बंडल। ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। कैसे, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप। ठीक है, क्योंकि ओपन टाइप इसलिए क्योंकि उसके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम और इसका प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, इसलिए एंडार्क हो गया। ठीक है, कोलेटर मतलब एक में ही प्रेजेंट होते हैं, एक ही पोर्शन के अंदर, तो फ्लोएम कैसे मतलब वास्कुलर सिस्टम कैसे हो गए, कॉन्जॉइट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप सिस्टम हो गए। ठीक है, वुड पैनकाइमा इसके बाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, वुड पैनकाइमा जिससे वुड हम मोस्टली यूज करते हैं, देन पिथ। ठीक है, पिथ इसमें वाइडली प्रेजेंट होती है, पिथ काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लार्ज एरिया कंटेनिंग होती है। ठीक है, और डाइकोट स्टेम शो करते हैं स्केंड्री ग्रोथ शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मोनोकोट रूट के ऊपर। मोनोकोट की जो रूट है, अपर जो कवर होती है क्यूटिकल होती है। ठीक है, मतलब हार्ड कवरिंग होती है, सॉरी स्मूथ कवरिंग होती है, जिसके पास कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है एपिडर्मिस स्केलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है, जिसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हार्डली मतलब उस सिलिका जेल है, उससे डिपोजिशन होता है, जिस वजह से उसके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फेस का जो कॉर्टेक्स होता है वो किससे बना होता है, पैनकाइमेटस सेल से बना होता है। ठीक है, और फिर आते हैं वास्कुलर बंडल के ऊपर। वास्कुलर बंडल के अंदर जिसकी जो कवरिंग है वो कौन कवरअप करके रखता है, बंडल सीट, जो किसकी बनी होती है, स्केलेनकाइमा टिश्यू की होती है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, मतलब क्लोज डाइवर्स्कुलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक ही मतलब कवरअप किए गए हैं, तो एक कॉन्सेंट्रिक हो गए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक टाइप के प्रेजेंट हो गए, और इसके पास वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है, और देखोगे तो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होता है पूरे कॉर्टेक्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, पेरिसाइकल और पिथ इसके पास अब्सेंट होती है। इसी के साथ साथ इसके पास सेकेंडरी ग्रोथ भी अब्सेंट होती है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट भी करने में हेल्प करता है मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम के अंदर। नीचे जो डायग्राम बनाया गया है मैं ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो इसके सब कुछ वही है, जैसे बार आउटरमोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस पैनकाइमा की जो बनी होती है, फिर एंडोडर्मिस पेरिसाइकल, फिर वास्कुलर बंडल्स एंड पिथ, तो सेम टू सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है, क्यूटिकल एपिडर्मिस और पैनकाइमा कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे वास्कुलर बंडल, इसके पास पिथ प्रेजेंट नहीं क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके पास मतलब पिथ प्रेजेंट होती है काफ़ी ओपन टाइप में, क्योंकि एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट होता है। तो ये है हमारे पास डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम के डायग्राम एनाटॉमी की। इससे पहले वाली वीडियो में किया थे मैंने रूट, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लीफ को। ठीक है, और उससे पहले वाली वीडियो देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।